Now, as we discussed in the last class too, as I told you in the last class too, ligands are the species which are having the lone pair of the electrons return to donate. इसको हम organic chemistry में nucleophile बोल के चलते थे, ठीक है? The species which have lone pair of electrons to donate. वैसे विच हैव गलत है क्योंकि होते तो बहुत सारे स्पीशीज के पास लॉन पेयर हैं, बट जिनकी एनर्जी मेटल की एनर्जी से मैच करती है ना, उसको हम बोलते हैं कि वो डोनेट करेगा, नहीं तो सभी डोनेट नहीं करते. विच डोनेट लिख देते हैं, विच डोनेट द लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल, टू द मेटल्स. ठीक है जी, वो एनर्जी मैचिंग का पॉइंट होता है. अब ये जो आपके लिगेंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला पहले कि दीज आर द न्यूक्लियोफाइल्स, दे कैन बी द न्यूक्लियोफाइल्स, है ना? और न्यूक्लियोफाइल्स क्या क्या हो सकते हैं? दे मे बी नेगेटिवली चार्ज और दो मे बी न्यूट्रल. ठीक है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं. अब लिगेंड्स की टाइप्स पढ़ते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स. टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स में दो ही कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई कर दूंगी. द वन इज द मोनोडेंटेट लिगेंड्स and the next is the polydentate ligands. ठीक है, ये दो टाइप मीन्स. और बेटा मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होगा? इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम टू. मोनोडेंटेट लिगेंड्स, मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं द लिगेंड्स विच हैज the lone pair on the single atom and can coordinate to the metal through one donor atom only. मतलब जो एक डोनर एटम के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं मेटल एटम के साथ, ठीक है, जिनके पास एक डोनर एटम से बॉन्ड बनता है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है. बाकी लिगेंड जहां भी आए बेटा वो नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल होता है. बहुत रेयर केसेस हैं, जैसे एक दो लिगेंड मैं आपको करवाऊंगी जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. रेस्ट एवरीथिंग इज नेगेटिवली चार्ज और इधर न्यूट्रल. बस कंडीशन क्या है कि उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. अब इसका ना एक टॉपिक आता है आयुपैक नेमिंग, ठीक है? अब उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि लिगेंड को क्या कहते हैं, क्योंकि मेटल के आयुपैक नेम तो वही है जो आपके प्रोडक्ट टेबल में है, या जिन नेम से आप मेटल को जानते हो ना, दिस इज अ सेम नेम. डी ब्लॉक में कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, मतलब चेंज है ही नहीं है. जैसे आयरन है उसको फेरस या फेरेट कई बार लिखते हैं, ऐसे छोटे छोटे चेंजेस है, अदरवाइज मेटल्स का सेम है. तो यू हैव टू जस्ट चेक आउट फॉर द लिगेंड्स. We are going to start from the monodentate ligands. Monodentate ligands में भी सबसे पहले हम जो list पढ़ेंगे, that is the negatively charged ligands. Negatively charged ligand. तो जो भी आपके negatively charged ligand है ना, उन ligands में जो IUPAC system है, IUPAC system के according क्या होता है कि जो तो negatively charged है, उसमें एक जरा ओल्ड वाला सिस्टम था ना, वो ओ से एंड करता था. एंड करता था मतलब ये सफिक्स ओ लगाते थे पहले, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो. और न्यू वाला सिस्टम क्या कहता है कि
जैसे क्लोरो को क्लोराइडो, यानी कि वो आइडो लगाता है, ठीक है। बोथ द वेज आर करेक्ट, बट आजकल जो ज्यादातर नेम है वो न्यू वाले सिस्टम से लिखे जाते हैं। पुराना भी आपको पता होना चाहिए, सभी में ही न्यू ओल्ड नहीं है, किसी किसी में है। जैसे देखो, सबसे पहले हम लीगेंड देखते हैं, उसके बाद आईयूपैक के लिए पहले ओल्ड लिख देते हैं, ओल्ड आईयूपैक, और उसके बाद न्यू आयु पैक लिख देते हैं। जैसे हम एक्स नेगेटिव है ना, तो पहले इसको बोलते थे हेलो, ठीक है, अब है लाइडो। फॉर एग्जाम्पल सी एल नेगेटिव होगा तो पहले उसे क्या लिख रहे थे, क्लोरो। बोलते हैं क्लोरिडो या क्लोराइडो, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी ले लो आप, पर स्पेलिंग आईडियो है। एफ नेगेटिव का पहले फ्लूरो, अब फ्लूराइडो। सेम मैनर्स में सभी लिख सकते हो। बी आर नेगेटिव का ब्रोमो, अब ब्रोमाइडो। आई नेगेटिव के लिए आइडो, अब आयोडाइडो, ठीक है। वाटर का लिगेंड है जैसे एच नेगेटिव। अब जिसका कुछ भी न्यू वाला या ओल्ड वाला सिस्टम नहीं है ना, मतलब एक ही है थ्रू आउट, उसको मैं न्यू वाले के अंडर ही लिख रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब उसका ओल्ड कुछ नहीं था, या ऐसे बोल लो न्यू ओल्ड सेम ही है। इसको बोलते हैं बेटा हाइड्राइडो। ओ एच नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्रोक्सो। अच्छा देखो, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद आपका नेगेटिव लिगेंड हो सकता है ओ के ऊपर टू नेगेटिव, ऑक्सो। ओ टू के ऊपर वन नेगेटिव, चलो पहले ओ टू के ऊपर टू नेगेटिव लिख देते हैं, ये पार ऑक्सो हो गया। पता है ना आपको स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक में भी सीखा था ऐसे, ये पार ऑक्साइड लिंकेज होती है सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। क्यूमीन के स्ट्रक्चर में भी था, और मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स जो हम ऑक्सो पढ़ते हैं उसमें हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था। आप बेटा अगर ओ टू के ऊपर सिंगल नेगेटिव है ना, तो ये सुपर ऑक्साइड होता है, हम इसे सुपर ऑक्सो लिख के चलेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। एनएच टू के ऊपर नेगेटिव एमाइडो। अब ये देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डिफरेंट है। ऑर्गेनिक में एमाइडो किसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक में एमाइडो फंक्शन किसको बोलते हैं, जो सी डबल बॉन्ड हो एनएच टू होगा, और यहाँ पे एमाइडो ऐसा नहीं है, यहाँ पे एमाइडो है एनएच टू नेगेटिव, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक नेमिंग। उसके बाद एनएच के ऊपर टू नेगेटिव है, इसको इमाइडो, ठीक है। एन के ऊपर थ्री नेगेटिव है तो नाइट्राइडो। यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, अगर एन थ्री के ऊपर वन नेगेटिव है तो वो एजाइडो है, ठीक है। मैं एक बार इसका थ्री दोबारा से बना देती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। लेकिन एन के पैर में थ्री है, सिर पे चार्ज -1 है तो एजाइडो। और कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर चार्ज टू नेगेटिव है तो मैडम वो बाइडेंटेट नहीं होना चाहिए। बाइडेंटेट की डेफिनेशन ये नहीं है कि चार्ज वन टू थ्री से डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है कि कितने डोनर एटम से वो मेटल के साथ जुड़ता है ना। अगर उसके पास दो डोनर एटम है, दो डोनर एटम के थ्रू मेटल से जुड़ता है, तो वो बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट या पेंटा टेट्रा जो भी है। अदरवाइज अगर एक डोनर एटम से जुड़ता है तो चार्ज चाहे उसके ऊपर फोर नेगेटिव भी हो जाए तो भी वो मोनोडेंटेट लीगेंड ही होगा। डेंटिसिटी हैज नथिंग टू डू विद द दिस चार्ज। और जो इसका नाम है ना डेंटेट, ये एक्चुअली वर्ड डेंटिस्ट से आया है। अब डेंटिस्ट किसको बोलते हैं, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट टूथ को बोलते हैं, दांत को, और डेंटिस्ट से ही आगे बनाया दांतों का डॉक्टर, ठीक है ना। तो जो अर्लियर डेफिनेशन थी ना, जो मतलब जिसे मैं बोलूंगी कि लिटरेचर है जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, उसमें मोनोडेंटेट लिगेंड या लिगेंड की डेफिनेशन को ना ऐसे लिखा हुआ था, द लिगेंड विच बाइट द सीएमए। बाइट मतलब दांत से काटना, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को थ्रू द वन डोनर एटम। पर वो धीरे 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 मतलब बाइट की जगह पे बाइंड आ गया,
ठीक है, मतलब बेसिकली तो वह सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, अदरवाइज ये डेंटिसिटी, डेंटेट वर्ड बाइट वहां पे यूज होता था। डेंटिसिटी का मतलब होता है कितने से ज्वाइन हो रहा है, मतलब अगर कोई एक डोनर एटम है तो उसकी डेंटिसिटी 1 है, अगर एक ही मॉलिक्यूल है पर उसमें जुड़ने वाले 2 हैं तो उसकी डेंटिसिटी 2 है, उससे ये वर्ड का ओरिजिनेशन हुआ है। तो ये हो गए एमाइडो, इमाइडो, नाइट्राइटो, एजाइडो। नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं। लिगेंड्स, आयुपैक, ओल्ड, न्यू। चलो अमोनिया के आयंस कर लिए, ऑक्सीजन के कर लिए, वाटर के कर लिए, CN नेगेटिव, ठीक है। अब इसका ओल्ड नाम है साइनो और न्यू में बोलते हैं साइनाइडो, ठीक है बेटा। उसके बाद आ गया तुम्हारा ये ना NCB जो सकता है, जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, याद है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में पढ़ा था, यस और नो? क्या होता है बताओ तो जरा, ये भूल मैम गए। जिसके दो दो न्यूक्लियोफिलिक साइड, सेंटर्स होते हैं, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते तो हैं पर एक टाइम पे वो एक से ज्वाइन करता है, दोनों के साथ जुड़ गया तो फिर वो चेन बना लेगा, रिंग बना लेगा। तो इसमें भी सेम डेफिनेशन है, CN नेगेटिव अगर C के थ्रू जुड़ता है तो साइनो या साइनाइडो है, अगर N के थ्रू जुड़ता है तो उसको बोलते हैं आइसोसाइन। और बेटे इसको लिखेंगे आइसोसाइनाइडो, ओके। अब है SCN नेगेटिव, SCN नेगेटिव क्या हो गया तुम्हारा, थायोसाइनेटो ओल्ड के मुताबिक, या इसको क्या बोलते हैं थायो साइनेटो एस, ठीक है, या फिर NCS आ सकता है। ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे लिखते थे इसको ओल्ड में आइसो थायो साइनेटो, न्यू में इसको लिखते हैं थायो साइनेटो एन, ठीक है। तो थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो एस और आइसोथायोसाइनेटो एन, मेरे कहने का मतलब है ओल्ड में थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो चलता है और न्यू वाले में नाम सिर्फ थायोसाइनेटो ही है, किसके साथ अटैच होता है, किसके थ्रू अटैच होता है बस उसको लगा देते हैं, जैसे एस और एन लगा दिया, थायोसाइनेटो एस एंड थायोसाइनेटो एन। इसी तरीके से आपका आ गया NO2 नेगेटिव, बेटा अगर एन से ज्वाइन होता है तो यहाँ पे तो इसको नाइट्रो कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बोलते हैं नाई, इसको लाइन नहीं लगानी है आगे, इसको बोलते हैं नाइट्राइटो एन, मतलब इसमें ना मोड ऑफ अटैचमेंट ट्यूब वाले सिस्टम में लिखते हैं। और अगर इसको ओ एन डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव बोलते हैं तो दिस इज नाइट्राइटो और इसमें फिर क्या हो जाएगा नाइट्राइटो ओ। तो ये जो सारी कैटेगरी है ना, मतलब एक एक दो तीन, ये जो मैंने व्हाइट कलर से टिक लगाए हैं इनके नाम क्या हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ये एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो इस पेज पे हम एम्बीडेंटेट लिगेंड की डेफिनेशन भी लिख देते हैं ताकि, वैसे तो वही है जो तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ी है पर लेट्स फॉर अस सेक ऑफ रिकॉल पर्पसेस वी कैन डू। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स विच एम्बीडेंटेट लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स दोज मोनोडेंटेट लिगेंड, पहली बात तो ये हमेशा याद रखना ये बाइडेंटेट नहीं है, दोज मोनोडेंटेट लिगेंड विच हैव नॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन टू डिफरेंट एटम्स, है ना। पर ये भी बात है डिफरेंट एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दो एक जैसे एटम पे तुम कह दो पेपर में जाके कि मैम ने तो बोला था दो एटम पे लोन पेयर होने चाहिए, यहाँ पे तो दो ऑक्सीजन पे हैं, तो दो ऑक्सीजन पे होने से कुछ नहीं होता, वो ऑक्सीजन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इक्वली हो जाती है, ठीक है ना। विच हैव द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द टू डिफरेंट एटम्स बट कैन कोऑर्डिनेट या बाइंड भी लिख सकते हो टू द CMA
वन एटम ओनली, टू वन एटम ओनली, इज दैट क्लियर? ये यस ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ इसकी, रुको। जैसे तुम्हें पेपर में आ गया SO4 2 नेगेटिव है, चलो पहले इनका नाम लिख ले, है ना, हमने ये डिस्कस नहीं किया है। जैसे लीगेंड आयुपाक, ओल्ड और न्यू, ठीक है, एम्बिडेंटेट की कैटेगरी भी कर ली। अब S2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं? सल्फाइडो। HSO जाएगा 1 नेगेटिव, तो पुराने टाइम पे इसे बाइसल्फाइडो बोलते थे, अब इसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। बोथ द वेज आर स्टिल यूजिंग। उसके बाद SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं? नया पुराना सेम ही है, तो एक ही साइड पे लिख देते हैं, इसको बोलते हैं सल्फेटो। और अगर SO4 3 नेगेटिव हो तो इसको क्या बोलते हैं? सल्फाइटो। HSO SO3 2 नेगेटिव, HSO3 2 नेगेटिव इज, या तो इसको बोलते हैं बाई सल्फाइड टो। देखो वो दो था, ये टो है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइटो, ठीक है, दैट इज अ बाई सल्फाइटो, दैट इज अ हाइड्रोजन सल्फाइट। अच्छा जी, सल्फाइड का काम हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास है CO4 3 नेगेटिव, दिस इज फॉस्फेटो, ठीक है। उसके बाद है आपके पास नेगेटिवली चार्ज लिगेंड में, तो इतने ही हैं, ऑक्सीजन के सारे करा दिए तुमको, फॉस्फेट फॉस्फोरस के करा दिए, कुछ मुझे याद आएगा तो मैं इसी लिस्ट में अभी ऐड कर दूंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट आया। अच्छा, SCN हो गया हमारा, हाँ हो गया शायद, हाँ NCS SCN भी हो गया, अमोनिया के सारे हो गए, सल्फेट के हो गए, फॉस्फोट के भी, आप ये लिख लो, ये मैं ना भी लिखूँ तो मैं आता है CH3CO नेगेटिव, एसीटेटो CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेटो, HCO3 1 नेगेटिव, या तो बाई कार्बोनेटो या हाइड्रोजन कार्बोनेटो, ठीक है। तो ये कुछ लिगेंड्स हैं आपके जो मोनोडेंटेट लिगेंड है और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। ओके, आई वाज टेलिंग टू यू कि अच्छा अभी न्यूट्रल कर लो फिर पहले, उसके बाद है कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, न्यूट्रल है मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड एक जगह पे लिखे होंगे ना तो आपको याद रहेगा, न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स। और जो न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स है वो क्या है भाई, चलिए देख लेते हैं। नेम पहले आ गया आपका लीगेंड, उसके बाद आ गया उसमें आफ्टर द लीगेंड आयुपाक में, ठीक है बच्चा। अब देखो ध्यान से, अगर आपका लीगेंड CO है, CO को क्या बोलते हैं भाई, कौन बताएगा? कितने बच्चे हैं जो कार्बोनाइल CO को पेपर में कार्बन मोनोऑक्साइड लिखाएंगे? क्या बोल? कार्बोनिल, ठीक है, दिस इज कार्बोनिल। NO को क्या बोलते हैं? माइक्रो नाइट्रोसिल। NO के बारे में मुझे एक बात बतानी है, हाँ पिछली वाली स्लाइड में एक ये भी नोट कर लेना कि अगर तुम्हारे पास आ गया, उससे पिछली वाली में करा लो, यहाँ करा देते हैं NO3 नेगेटिव, तो NO3 नेगेटिव को क्या बोलेंगे? नाइट्रो। ये बिल्कुल सेम ही है, तो देयर इज नो चेंज। अच्छा, आई वॉज आस्किंग यू कि NO जो लिगेंड है ना,
आपने कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनओ का स्ट्रक्चर बना के देखा होगा, तुम जितने मर्जी ट्राई कर लो तुम एनओ में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कर सकते। देखो अगर तुम इसमें डबल बॉन्ड बनाते हो सारे, चलो सिंगल बॉन्ड बना के चलो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम आप सिंगल से क्यों नहीं स्टार्ट करते, लो सिंगल से करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये क्या बच गया ऑड इलेक्ट्रॉन। चलो मान लो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, वैसे तो कम एनर्जी की है ज्यादा एनर्जी की है वो डाटा से पता लगेगा, और ये स्टेबल नहीं है स्ट्रक्चर। अब डबल बॉन्ड लगा दिया 1 2 3 4, और एक एक्स्ट्रा लग गया डॉट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये देख लो ये भी क्या है ऑड इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कि हम तो मैडम ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, लगाओ जी, किसने मना किया, एन और ओ में ट्रिपल बॉन्ड लगाया, 3 2 5, 3 4 5, तो यानी कि हर एक स्ट्रक्चर में इसके क्या है ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, इसी के लिए तो कहते हैं कि नाइट्रोजन के कंपाउंड की केमिस्ट्री में ऑक्टेट रूल या एक्सेप्शन सबसे ज्यादा, ऑक्टेट रूल सबसे ज्यादा डिसोबे होता है, एक्सेप्शन भी आती हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। केमिकल बॉन्डिंग में भी मैंने आपको पढ़ाया था, जब मुझे मैंने आपको ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल बताया था। तो फिर एनओ कैसे डोनेट करेगा जब बेचारे ये खुद ही स्टेबल नहीं है, तो नो डाउट, देखो इसमें थोड़ा सा कंट्रावर्सी है, ये लिखा नहीं होता उसमें, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, एनओ कभी भी अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एनओ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एनओ जब कि स्ट्रक्चर लिखते हो ना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो एनओ हमेशा अपनी स्ट्रक्चर में या तो एनओ प्लस जाता है या वो एनओ नेगेटिव जाता है। एनओ प्लस हो जाएगा तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बाहर, और एनओ माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एनओ माइनस हो जाएगा तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा, ठीक है। तो मीन बाय सेइंग, कहने का मतलब ये है कि एनओ या प्लस होगा या माइनस। फिर मैम आपने इसे उधर क्यों नहीं लिखा नेगेटिवली चार्ज में, या ये पॉजिटिवली चार्ज आयन कैसे है? तो तब भी ना हैरानी की बात यह है कि IUPAC सिस्टम ना एनओ को नाइट्रोसोनियम आयन या ऐसा कुछ नहीं लिखता, ठीक है, क्योंकि IUPAC की लिमिटेशन है, जो नाम मैंने बोले हैं वो और कई कंपाउंड्स के भी हैं, तो एनओ को नाइट्रोसिली लिखा जाता है, चाहे ये प्लस हो चाहे ये माइनस, ठीक है। तो जब मैं इसका IUPAC नेम कराऊंगी तो आई विल डिस्कस सेपरेटली 2 और 3 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। चलो जी ये हो गया, बाकी इसका वाटर, भाई वाटर को एक्वा कहते हैं, इसी के नाम पे तुम एक्वा गार्ड बोलते हो अपने घरों में, एक्वा को मतलब वाटर को गार्ड करने वाला है ना। गार्ड को इन अदर सेंस प्योरीफाई दे दो। अच्छा वाटर एक इसमें हो सकता है NH3, NH3 को क्या बोलते हैं, देखो वैसे तो ये अमोनिया है, पर अमोनिया ना लिखते नहीं है, ये लिखने में आता है एमाइन, और वो भी डबल एम, और एक आता है PH3, PH3 इसका भाई है, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉस्फीन, इट्स नेम इज फॉस्फीन। और एक स्ट्रक्चर आती है PPH3, कोई बताएगा व्हाट इज द नेम ऑफ PPH3? ट्राइटन ये देखो हाइड्रोजन के प्लेस पे हमने उस पे क्या लगा दिया, वी हैव अरेंज्ड द 3 PH ग्रुप्स ओवर टू इट, तो यहाँ पे डॉट नहीं है, ये जस्ट पेन से लग गया है, डोंट कंसीडर इट लाइक कि मैम ने कोई और इलेक्ट्रॉन लगा दिया यहाँ पे, आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पता तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो PPH3 में हो गया ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। लिगेंड्स का चार्ट एक बार लर्न करना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो PH3 और PPH3 आर वन एंड द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आगे जाके आपको विल्किंसन कैटलिस्ट कराऊंगी उसमें आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वाले में बेटा लिगेंड IUPAC न्यू और ओल्ड, ठीक है। अब आप देख C2H5O C2H5, या मैं इसे ROR भी लिख सकती थी, ये क्या कंपाउंड है बेटा? मैम ये ईथर है। ईथर है ना, तो इसको बोलते हैं न्यू ओल्ड, इसका सेम ही है। हाँ डाई इथाइल ईथर,
या इसको क्या लिखते थे, ये तो कॉमन नेम हो गया, या इसको क्या लिखते थे, इथॉक्सी yeah. अब इसी तरीके से जैसे ये है CH3CH2NH2, ये क्या हो गया, इथाइल अमीन, ये भी एक, हाँ ये भी एक लिगेंड है कि अमोनिया। तो जितने भी आप ऑर्गेनिक में ऐसे मॉलिक्यूल पढ़ते हो वो सब लिगेंड है। या ये स्पीशीज क्या है, पहचाना, याद आया, पिरिडीन, पिरिडीन, पिरिडीन नहीं बोलना इसको, पिरिडीन ही बोलना, ठीक है। तो ये है तुम्हारा PY लिखा होता है इसको, है ना, तो ये है पिरिडीन। अच्छा कई बार ना ऐसे भी लिखा होता है O2, आपको O2 का स्ट्रक्चर आता है, उसमें लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, तो इसको यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है IUPAC। हम नॉर्मल तो अपनी लाइफ में बात करते हुए तो इसको ऑक्सीजन बोल देते हैं, पर तुम्हें तो पता है केमिस्ट्री वाले बच्चों की ऑक्सीजन सिंपल वो होता है, वो भी एटॉमिक नेसेंट। इसको क्या लिखना है यहाँ पे, डाई ऑक्सीजन। और इसी तरह से N2 लिखोगे तो उसको क्या लिखोगे, डाई नाइट्रोजन। तो दिस इज अ वे जिस तरीके से आपको लिगेंड्स को अरेंज करना है। तो बेटा इस तरीके से जब भी आपको आए आप इसके लिगेंड्स लिख सकते हो, बाकी भी कोई आपको लॉन्ग टर्म स्पीशीज वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है तो देख वेरी वेल एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल, जहां पे रिएक्शन करते हो, ईथर बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो, ये भी मैं लिख देती हूँ एक, है ना, याद रहेगा। वैसे तो देखो बोलो, रेजोनेंस नहीं होता है ना, शायद तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि मैम पिरिडीन में रेजोनेंस होता है या नहीं होता, तो क्यों नहीं होता, तो क्यों, ये कह रहे हो ना। यस मैम, यस। पिरिडीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक्चुअली में एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी के लिए चाहिए हक्कल्स रूल, हक्कल्स रूल के मुताबिक 6 इलेक्ट्रॉन से तो एरोमेटिक हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन से तो एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो अनलाइक द पायरोल, पायरोल 5 मेंबर स्ट्रक्चर है जिसमें NH होता है और N के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं बेंजीन रिंग में, तो सॉरी उसके 5 मेंबर रिंग में, तो वहां पे तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाता है डीलोकलाइजेशन में। यहाँ पे क्या होता है ना, ये आउट ऑफ प्लेन होता है, ये रिंग के प्लेन में, ये इट इज नॉट इन्वॉल्व इन कंजुगेशन, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द कंजुगेशन। तभी तो मैंने इसको लिखा है डोनर में। yes, अगर ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व, मैंने यहाँ पे पायरोल थोड़ा लिखा, मैं पायरोल बोली जा रही हूँ, कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्हें पता नहीं होगा पायरोल क्या है, ये मैं पायरोल बोल रही हूँ। पायरोल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो उसका ये सेक्सटेट यानी कि उसके जो 6 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो तब पूरा होता है जब उसके इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं डीलोकलाइजेशन, तो इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में चलने लग गए, घूमने फिरने चले गए। तो कौन है आपका न्यूक्लियोफाइल, आपका न्यूक्लियोफाइल है ये स्पीशीज पिरिडीन, क्योंकि यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते कंजुगेशन में, क्योंकि एरोमेटिक 6 5 इलेक्ट्रॉन से होता है, ठीक है। ये क्यों नहीं होते हैं, ये आउट ऑफ प्लेन है इसके रिंग के। यस मैम, ठीक है, ओके मैम। अब यहाँ पे ना मैं कुछ और चीजें लिख देती हूँ, वैसे तो ये नहीं है देखो, मतलब इट इज नॉट बीइंग मेंशनड इन योर बुक और डॉट, बट दे कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एज यू हैड डन इन द ऑर्गेनिक। देखो आप R नेगेटिव, ठीक है ना, एल्काइलाइनाइड आयन, मिथाइनाइड जैसे करके, R O नेगेटिव क्या हो जाएगा पता है ना तुम्हें, एल्कोक्साइड, ठीक है। तो ये वाली चीजें इन द सेंस ऑफ ऑर्गेनिक आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैंने जितने तुम्हारे आते हैं उससे भी ज्यादा की लिस्ट तुम्हें दे दी है, ताकि तुम ये मत कहो पेपर में जाके हमारा IUPAC इसलिए गलत हो गया कि हमें इसका नाम नहीं आता, ठीक है। तो दिस इज ऑल वी हैव डन। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ स्पीशीज लिख रही हूँ, CO NO SO4 2 नेगेटिव, क्या भाई, 1 नेगेटिव
एक तुम्हारा हो गया, एक तुम ले लो इसमें। यो फोर थ्री नेगेटिव, इनमें से मुझे बताओ विच आर एम्बिडेंट। आई एम ऑल, ये बच्चा जो अनम्यूटेड है ना वो प्लीज अपने आप को म्यूट करो, उससे क्या होगा फिर बाकियों में भी डिस्टर्बेंस जाती है। बताओ मुझे इनमें से कौन सा एम्बिडेंट एट है। Which out of this is ambidentate? याद करो मैंने ambidentate का क्या बताया था और शुरू हो जाओ। कोई भी। मैम NO3 negative। Negative तो तुम बोल ही नहीं सकते ना, जो मैंने दिया उसी में से ढूंढना, मॉडिफाई मत करो। कोई जो है वही है, कोई भी नहीं है। Yes। कोई भी नहीं है भाई। चलो इसकी बात मान लेते हैं। देखो मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया ई को, है ना। अब इस स्ट्रक्चर में पीओ फोर थ्री नेगेटिव, एनओ थ्री वन नेगेटिव, एसओ फोर टू नेगेटिव में पहले तो स्ट्रक्चर बना के देखो। पीओ फोर थ्री नेगेटिव में तीन नेगेटिव चार्ज हैं, तो तीन ऑक्सीजन एटम के ऊपर होगा ऐसे, एक होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, क्या पांच इलेक्ट्रॉन तो हो गए। लोन पेयर तो है नहीं। अब आप बोलोगे कि मैम लोन पेयर तो बहुत सारे ऑक्सीजन एटम पे दिख रहे हैं, बहुत सारे पे दिख रहे होंगे, मैंने तो मना किया, मैंने तो कहा भर भर के लोन पेयर है, पर एम्बिडेंटेड की कंडीशन क्या है। लोन पेयर ऑन टू, नो 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 नो, टू डिफरेंट एटम्स, दो डिफरेंट एटम्स के बाद ऊपर जब लोन पेयर होता है तो दिस इज कॉल्ड एज एम्बिडेंटेड, ठीक है। अब उस बेस पे अगर तुम चेक करो तो ये तो नहीं है। अगला आ जाओ NO3 नेगेटिव, एक नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, दो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। वैसे तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता है, सिंगल बॉन्डेड नहीं, सिंगल सिंगल ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। 2p मेंबर के लिए इज इट पॉसिबल, इज इट फेवरेबल टू हैव दिस स्ट्रक्चर विद द 10 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द नाइट्रोजन? नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, यूजुअली हम कोई भी एक स्ट्रक्चर को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, उसमें डेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। अब ये एक्स्ट्रा नेगेटिव, ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव, तो ये जो मैंने सर्कल में लिखे हैं चार्ज, ये मोस्ट ऑफ द बुक्स में नहीं लगाए होते, अंडरस्टूड ही है, प्लस माइनस हो गया था। अब तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, अब ये बेहतर स्ट्रक्चर। चलो स्ट्रक्चर तो हमने सही बना ली, वो हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब में बनाते रहे हैं, बॉन्डिंग में भी बना के आए हैं। Now the question is ki whether this is a state having a lone pair on the two different atoms? No, यहाँ पे भी किस पे है, एक पे है, तो तुम भी भैया नहीं हो। SO4 two negative, एक दो ये इसको देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर, इसमें भी सब ऑक्सीजन एटम पे ही है। नो, अब क्वेश्चन आ गया एन और ओ। एन और ओ का स्ट्रक्चर तो अभी बड़ा भरकम बनाया था हमने, और सीओ का भी ऐसा स्ट्रक्चर बना लो, तीन दो पांच, तीन और एक चार। चलो मैंने पांच बना दिया, तो एक को नेगेटिव लगा दो। अब सारी इसमें तो नाम है दो डिफरेंट एटम पे, पर फिर भी ये नहीं है। कोई बता सकता है इसका रीजन? एमबी के बारे में मैंने दो बातें बोली थी, या लीगेंड के बारे में मैंने बात बोली थी। अब देखो बोलो किसी के पार्टिसिपेट करेगा, ये ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करेगा एनओ नेगेटिव या एनओ प्लस की फॉर्म में। ठीक है तुम्हारी बात, वो ठीक है, मैं एमबी की बात कर रही हूँ ना। देखो अब लीगेंड की क्या डेफिनेशन होती है ना, मैं ये कह रही थी कि हो सकता है भाई किसी के पास पैसा है पर वो नहीं दे रहा। लोन पेयर होना मैटर नहीं करता, लोन पेयर जो एक्चुअली में डोनेट करके कंपाउंड्स बनाते हैं उनके कॉम्प्लेक्सेस देखे गए हैं वो कब होता है। अब देखो जब एनर्जी मैच करें, है ना, अगर मेटल और लिगेंड में अच्छे से बॉन्ड ही नहीं बन पाया तो कौन अपने बिजनेस के लिए दूसरे से पैसा ले पाएगा। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं करते इन्वेस्ट किसी सामने और किसी कंपनी में जब उनका अच्छे से बॉन्ड एस्टेब्लिश नहीं होता। तो ये वाले लिगेंड्स का एनओ और सीओ की जो एनर्जी है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण ना,
एक एन भी ठीक ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी है, फिर कार्बन ऑक्सीजन भी है, तो थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से ना ये एक तो दे देते हैं, मतलब एट ए टाइम एक डोनेट कर देता है, और दोनों से डोनेशन हो नहीं पाता, ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट इज नॉट इन अ पोजिशन। अगर ऑक्सीजन का सपोर्टिंग एटम नाइट्रोजन है या कार्बन है तो वो कह रहा कि भाई तू दे दे मेरे को, सेफ रहने दे जब तेरे पास ऑप्शन है। तो इनका एनर्जी का चक्कर पड़ जाता है मेटल के साथ, मेटल के कंपैरिजन में इनकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है, तो ये डोनेट नहीं करते। तो ऑल्दो दे आर हैविंग दिस कंडीशन फुलफिल्ड, लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द टू डिफरेंट एटम, बट येट दे आर नॉट एमपी। तो जिस बच्चे ने आंसर दिया था, मुझे नहीं पता कि ऐसे ही दे दिया या आता था, बट द एग्जैक्ट डेफिनेशन आई हैव टोल्ड बिफोर यू, ये एम्बीडेंटेट कोई भी नहीं है इनमें से, ठीक है। बाकी आप हाइपो की स्ट्रक्चर बना के देख लेना घर पे जाके, जब आप हाइपो के Na2S2O4 हाइपो की स्ट्रक्चर बनाओगे या NO2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर बनाओगे, उसमें यू विल फाइंड आउट कि नाइट्रो, तो मैंने लिखा भी था यहाँ पे, उसके स्ट्रक्चर में यू पीपल विल फाइंड आउट कि दो डिफरेंट एटम पे लोन पेयर हैं, तो वहां पे डोनेशन हो जाता है। हर किसी का अपना अपना हिसाब किताब है भाई, हम कौन सा लीडर से जाके पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारी एनर्जी कैसी है या नहीं, तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। तो इसके साथ मोनोडेंटेट वाला कंप्लीट है, 90% मोनोडेंटेट लिगेंड तो आना ही आना है। हाँ बीच में एक आधा एमबीए हो जाए तो ठीक है, एमबी हो जाए या बाइट राइट टेट्रा हो जाए तो ठीक है, बट मोनोडेंटेट तो सबको लर्न होने चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर द लिस्ट ऑफ द लिगेंड, ताकि जैसे जैसे आपका, कई बार क्या होता है कि हम CFP तक पहुंच जाते हैं, चैप्टर खत्म करने वाले होते हैं, और मैं बच्चों को बोलती हूँ कि कार्बोनिल लगा दो, तो पूछते हैं क्या लगाना है, कैसे फॉर्मूला है। जब तक आपको IUPAC नहीं आता है ना, सारा चीजें IUPAC से ही पूछी जानी है। अगर ना भी IUPAC यूज हुआ तो लीगेंड का नाम तो लिखोगे ही ना, ऐसे थोड़ा बोलोगे COSCN, अगर उसने वर्डिंग में लिख दिया तो क्या करोगे। तो ये लिस्ट जरूर हर कोई बच्चा अपनी कॉपी में बना ले और उसको लर्न भी कर ले। अब आ जाओ पॉलीडेंटेट लीगेंड पे। पॉली मैंने इसलिए लिख दिया है इसको कि डाइट्रेटा को एक ही कैटेगरी, एक ही उसमें सब हेड में कर दिया पॉलीडेंटेट लीगेंड। ये बहुत सारे दांतों से बाइट करता है भाई, ये शेर है, लायन है द लीगेंड्स, और इनकी एक स्पेशलिटी है, मैं स्टार्टिंग में ही बता दूंगी क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और फिर आप स्टक कर जाते हो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, इतना आसान आंसर होता है, आई हैव ऑब्जर्व, पर फिर भी बच्चे छोड़ आते हैं, कह देते हैं मैम आउट ऑफ डिस्कशन आ गया। द लीगेंड्स विच हैव Have भी नहीं, फिर से पैसा है पर जो इन्वेस्ट करे वो, सारी डेफिनेशन करेक्ट करो आप अपने हिसाब से। द लिगेंड्स विच बाइंड या डोनेट या बाइट या कोऑर्डिनेट, भाई होना जरूरी नहीं है, देना जरूरी, हमें क्या फायदा तुम्हारे पास करोड़ों हो हमें नहीं दे रहे हो तुम। द लिगेंड्स विच बाइंड द कोऑर्डिनेट डोनेट और बाइट द CMA Two or the more donor atoms are called as polydentate ligands। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे ligands क्या होंगे, These ligands are called as a polydentate ligands। ठीक है, चलो जी, एनी हाउ चलो एनी हाउ ठीक है। अब इसमें ना मैं एक स्टार पॉइंट ऐड करती हूँ जिसको मैं 5 स्टार दे देती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर इस पॉइंट से जाएगा। पॉलीडेंटेट लीगेंड्स चाहे वो तुम्हारा बाई है, चाहे वो तुम्हारा ट्राई है, चाहे वो तुम्हारा टेट्रा है, चाहे वो तुम्हारा हेक्सा है, कोई भी हेक्सा तक ही पढ़ाते हैं, then bind to the metal, then bind to the metal form the ring structure, बहुत 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 important, form the ring structure
नोन एज, कौन बताएगा रिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? नॉन चिलेटिंग, चिलेट है ना, चिलेट, एंड फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो भाई हद का पड़ गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि आना तो यह है भर भर के आना है चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हद वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भर भर के आने हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मो यूज होने ही होने हैं, पता है तुम्हें, हर बार डिस्कशन करते हैं। इतना हद से पड़ गए कि कोई भी किसी का भी बीपीटी स्ट्रक्चर बना सकते हो, पर एग्जामिनर और एग्जामिनर से तुम्हें क्वेश्चन देता है, एक साइड अमोनिया लगा लो, जहां तुम दो अमोनिया लगा रहे थे ना, एग्जामिनर कहता है कि मैं उसे ना इथेन 1,2-diamine लगा रहा हूँ, तो इथेन 1,2-diamine के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इतनी एनर्जी रिलीज हुई है और दूसरे में नहीं हुई, व्हाट इज द रीजन? अरे भाई हम सोच में पड़े रहे क्या था, क्या हुआ वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं है। आप अमोनिया और इथेन 1,2-diamine को चेक कर लो ना, क्या है अमोनिया, क्या है मोनोडेंटेट, अमोनिया मोनोडेंटेट लिगेंड है, और इथेन 1,2-diamine आई विल जस्ट टेल यू वो क्या है, पॉलीडेंटेट यानी कि बाइडेंटेट लिगेंड है। तो भैया जो बाइडेंटेट लिगेंड होगा वो ऐसा, मैं अभी बनाऊंगी स्ट्रक्चर, आप देखोगे ऐसे बाइंड हो जाएगा, मतलब एक मेटल आ जाएगा ऐसे, जहां मेरे दो हाथ जुड़े हैं, बाकी तो उसके दो जैसे मेरे ये आर्म्स हैं ऐसे उसके बाकी साइड स्ट्रक्चर्स होंगे, तो दोनों साइड से ऐसे होगा तो रिंग बन जाएगा, और रिंग से क्या होता है स्टेबिलिटी आ जाती है, चिलेशन हो जाता है, एंड दिस इज एक्सप्लेन बाय द एंट्रोपी कॉन्सेप्ट। मतलब चिलेशन फॉर्मेशन में सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, पहले वाटर या अमोनिया जो लगे हुए थे वो बाहर चले जाएंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं, और बंद स्ट्रक्चर कम मॉलिक्यूल वाली होती है, गैसीय स्टेट में सिस्टम आ जाता है, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, ले देखिए मेन कहानी उसकी ये है, ठीक है, और स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। दिस फेनोमिना इज कॉल्ड एज, दिस फेनोमिना इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इस फेनोमिना को बच्चा, चिलेशन, है ना। तो ये बहुत सारे मर्जों की दवा है, एंड सच लिगेंड्स आर चिलेटिंग, एक ही बच्चा पढ़ता है क्लास में, बाकी क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग, सो रहे हो क्या, अभी तो गुड मॉर्निंग हो गया, एंड द लिगेंड्स आर वेरी गुड, चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पेपर में याद रखो, चलो दर्शन कर लो अब पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, आ जाओ फिर इसमें, पहले पढ़ लेते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, इसमें कुछ न्यू ओल्ड वाला चक्कर नहीं है, जो है बस थोड़े से लिगेंड पढ़ाएंगे आपको, इसमें न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज का भी वो नहीं है, मैं एक ही स्ट्रक्चर एक ही साथ सारे पढ़ा दूंगी, चाहे न्यूट्रल है चाहे नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस करने हैं हमें। तो सबसे पहले ये पढ़ लो तुम, CH2 NH2, क्या नाम है बेटा, इथेन 1,2-diamine, देखो 90% तो जो समझदार बच्चा है, समझदार एग्जामिनर है और समझदार टीचर है, वो यही लिख पाएगा, ठीक है। बट अब भाई हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं, अब कई बार इसको ऐसे लिखा होता है इथिलीन डाइअमीन, अब मुझे ये समझ नहीं आता, अगर आप ये नाम लिखा रहे हो या एग्जामिनर भी ये नाम दे रहा है या कोई ये नाम पढ़ा रहा है, तो इतना तो सोच लो कि इथिलीन कभी आयु पैक हो सकता है, इथिलीन कौन सा नेम है, कॉमन नेम है, तो ये इथिलीन डाइअमीन इसका कॉमन नेम है, इसको कभी उसमें नहीं लिखना आयुपैक नेम में, आयुपैक इसका यही है इथेन 1,2-diamine, ठीक है। हाँ अगर किसी ने बाय म्यूकेन से ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन बहुत लंबा छोड़ा है जिसमें आयुपैक का कोई ज्यादा रोल नहीं है, बाय मिस्टेक ऐसा दे दिया, तो भाई तुम उसे माफ कर देना, तुम मान लेना कि कोई बात नहीं, ये मिस्टेक हो जाती है, तो अदरवाइज इसका नाम इथेन 1,2-diamine है, बहुत कम आपको ये ऐसे देखने में मिलेगा, 99% आजकल इतना बड़ा कोई नहीं देता, सिर्फ ईएन लिख देते हैं। अब मैं बोल रही थी कि ये चिलेट बनाएगा, आप करके देख लो, जैसे यही क्वेश्चन कर लेते हैं, सीओ NH3 4 2+, इसके साथ तुमने क्या लगा दिया, 2 molecules of EN, ठीक है, जब 2 molecules of EN लगाए तो कॉम्प्लेक्स बन गया COEN twice 2+ + 4 molecules of ammonia, ये बोल रही थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, एक ये और दो ये, तीन ना, 1+2, अरे चार्ज भी देखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रही हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 1 और 4 5, और प्लस ये क्या है गैस,
तो मजे लग गए, तो ये भी गैस ही ठीक है ना, इतनी डायनेमिक भी हो सकता है, और फिर भी आपके पास डेल्टा एन जो आ गया वो एन पी माइनस एन आर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया ना। अगर डेल्टा एन पॉजिटिव आ गया तुम्हारे पास, ये क्या शो करता है, जो एंट्रोपी होती है वो फंक्शन किसका होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो डेल्टा एस इंक्रीजेस, सॉरी डेल्टा एस इंक्रीजेस नहीं, एस इंक्रीजेस और डेल्टा एस पॉजिटिव, तो डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब रिएक्शन क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। हम लोग आई मीन भूल तो नहीं गए, नो मैम, हाँ याद रखना है ये स्पॉन्टेनियस हो गया। तो इसलिए आप बोलोगे कि मैम हमें नजर आया, नजर आएगा ना भाई, इसको तो स्ट्रक्चर बना ही लोगे, क्या बनाऊं इसकी, तो ऐसी है सिंपल। अमोनिया 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 ठीक है, और ये देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी, NH2 CH2 CH2 NH2। इसको सिर्फ EN ही लिख देते हैं, ऐसे सर्कल सा लगा के ना लिख देती हूँ। ठीक है, तो NH2 CH2 CH2, तो ये क्या बन गया बच्चा, रिंग बन गया। अब जितने बच्चों को ये लग रहा था ना कि मैम यहाँ पे हमें डेंसिटी का भी इशू है, वो सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डोनर एटम्स चार है ठीक है, पर लिगेंड दो, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन कभी भी ऐसे मत देना कि कितने लिगेंड लगे हैं। स्टार्टिंग में बताया था ना जब चैप्टर स्टार्ट किया था, इसकी डेफिनेशन ये होती है कितने डोनर ज्वाइन हो रहे हैं। डोनर एटम बेटा इसमें भी फोर है और डोनर एटम इसमें भी फोर थे, बट लीगेंड उसमें चार है और लीगेंड उसमें दो है ठीक है। तो ये क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, आया है एक्सप्लेन्ड इट वेल और तुम याद रखोगे। यस और नो, सब बच्चे याद रखेंगे? यस यस। अब भूलना नहीं है बेटा जी, भूल जाओगे तो फिर देखो माइनस वन हो जाएगा, गलत लिखोगे और बाकी चार चले जाएंगे अगर छोटे सा कॉन्सेप्ट नहीं याद रहेगा। ऐसे ही एक एक नंबर जोड़ के मार्क्स लगते हैं, आगे आ जाओ। अच्छा मैडम दूसरा लिगेंड पढ़ा दो, दूसरा भी पढ़ा देते हैं भाई। ये देखो ये किसका आयन है, कौन बताएगा आपको, इतना ऑर्गेनिक कितना इनऑर्गेनिक पढ़ ली, ऑक्सैलिक एसिड का लिगेंड है ये, और इसको भी ना बहुत कम लिखा होता है ऐसे, या तो इसको भी एग्जामिनर लिखता है C2O4 2-, C2O4 2- भी लिखा होता है, या इसको लिखा होता है OX के सिर पे 2-। और इसको क्या बोलते हैं बेटे, ऑक्सीलेटो। हाँ ऑक्सीलेटो, ओ वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी सेम चलेगा। अच्छा थ्री, हाँ मैं एक बात और बोल दूं, फॉर्मिक एसिड था HCOH, मैडम हमें तो पेपर में आ गया HCOO-, तो HCOO- फॉर्मेट आयन हो गया ना, मिथेनोएट आयन। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर एग्जाम में आ जाए नेगेटिव चार्ज लिगेंड में, तो वो तो अंडरस्टूड ही है ना कि इतना तो आप ऑर्गेनिक से जानते ही हो। यस और नो, जब मैंने एसिटेट लिखा तो मिथेनोएट भी तो कर ही सकते हो ना। Yes. Yes. क्या लिखना है थर्ड, थर्ड तुम ये पढ़ते हो कभी, ऐसा नाम कहीं पे लिखा है, बायोमोलिक्यूल्स जब चैप्टर पढ़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड जब पढ़ते हैं, बायो में भी पढ़ रखा होगा तुमने, तो आर ग्रुप एडजस्ट करते हो ना वहाँ पे अल्फा अमीनो एसिड में, तो वहाँ पे ग्लाइसिन आता है याद yes. है कि नहीं अल्फा अमीनो एसिड, कार्बन में अगर दो एच लगे हुए हैं, वैसे तो यहाँ पे जनरली आर होता है ठीक है, और अगर तुम्हारे पास R बराबर H होता है ना, तो इसका नाम होता है ग्लाइसिन, पता है ना, RCH3O तो LNN, हाँ बस वही कहानी हो रही है। NH2 भाई तुम तो बहुत जानते हो, डॉक्टर बच्चे हो, यहाँ पे क्या लिखना है OO-, तो क्या बन गया बच्चा, ग्लाई नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पेपर, हाँ एक बात और, किसी भी लिगेंड के नाम में एग्जामिनर चार्ज नहीं बताता, तो चार्ज याद करके जाने हैं, प्लस वन है माइनस वन है प्लस टू है माइनस टू है ठीक है, प्लस वाले तो खैर है नहीं ज्यादा, और ग्लाइसिनेटो में माइनस वन खुद याद रखना है ठीक है, वो तो सिर्फ इतना देगा, पेपर में इतना मेहरबान नहीं है कि वो OX के ऊपर 2- लिख के देगा, वो सिर्फ OX देता है, अपना दिमाग खुद लगाना है कि हमें पता है कि OX के ऊपर 2- होता है, ऐसे मत सोचना कि पेपर में तो OX 2- देगा, इतना अच्छा नहीं होता वो, तो
ये आएगा ग्लाइसीनेटो, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। और फोर्थ हो गया तुम्हारा एन द ओ एच लगा हुआ है तो लॉन पेयर नाइट्रोजन से जा रहा है या ऑक्सीजन से जा रहा है, इसे बोलते हैं टी। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक नेगेटिव होता है एनओ के ऊपर, ऊपर वाले में कोई नेगेटिव नहीं है, इसे बोलते हैं डीएमजी माइनस, यानी कि डाई, इसका भी स्ट्रक्चर कभी नहीं आता, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, ग्लाई ऑक्सीमेटो। कोई मुझे बताएगा इस वीकेंड को किसके लिए यूज करते हैं तुम लोग? तो खैर अब मुझे नहीं पता कि हैव यू एवर बीन टू द लैब और नॉट। जब हम सॉल्ट एनालिसिस परफॉर्म करवाते हैं ना लैब में, तो Ni2+ जो होता है ना, Ni2+ की डिटेक्शन हम डीएमजी डाल के करते हैं। तो जब हम डीएमजी के 2 moles डालते हैं ना इसमें, तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब NiDMg2 ऐसा जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना आपका, तो उसमें क्या होता है, ब्लड रेड कलर आता है, ठीक है। तो ये जो ब्लड रेड कलर है वो इंडिकेशन होता है Ni2+ की एस्टिमेशन का, कि Ni2+ प्रेजेंट है इसमें। तो Ni2+ की एस्टिमेशन के लिए जो लीगन यूज किया जाता है वो डीएमजी है, ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटर। मतलब इसका उसके साथ कॉम्प्लेक्स बढ़िया बनता है और कलर कॉम्प्लेक्स बनता है। वैसे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आई विल टेल यू, दे आर फेमस फॉर देयर कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन। डी ट्रांजिशन के कारण कलर आता है, और जितने भी आपके लैब में ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं बहुत थोड़े ही हैं, बाकी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्ट ऑफ द ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके फोर्थ। फिफ्थ कुछ ऐसा बना सकते हो, ठीक है। आपको समझ में तो आ रहा होगा कि दो पिरिडीन आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, या तो इसको किताब में डाई लिखा होता है या इसको किताब में पाई पाई लिखा होता है, ठीक है। ये देता है मतलब, या ये देगा या ये देगा या ये देगा, तो आप इसको बोलोगे डाई पिरिडीन। और देर इज नॉट एट ऑल एनी हार्म इन राइटिंग बाई पिरिडीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ याद आता जाता है साथ में। फ्यूरेन, पायरोल और थायोफीन को भी मोनोडेंटेट न्यूट्रल में लिख सकते हो। मैंने क्या कहा, फ्यूरेन, पायरोल, थायोफीन, ठीक है, इसको मोनोडेंटेट लिगेंड में लिख सकते हैं, बहुत कम आते हैं बट आ जाते हैं। तो ये हो गया 1-3 फिनेंथ्रोलिन भी इसमें लिख देते हैं, तो बहुत कम आया हुआ है क्वेश्चन में। चलो ये बाइडेंटेट हो गए, ऐसे ही ट्राइडेंटेट ले लो, बस आगे तो हम ज्यादा नहीं कराएंगे आपको क्योंकि बहुत कम ही यूज है आपकी बुक में। ट्राइडेन, ट्राइन हो गया भाई, डेंटेट रह गया, ट्राइडेन, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। तो जो आपका ट्राइडेंटेट लिगेंड्स है उसमें 3 डोनर एटम होंगे। पहले तो ये इसी की एक्सटेंशन है, जैसे CH2 NH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, ठीक है। ये देखो 1, 2, 3। अब आप देखो इसमें इथिलीन कितने हैं, एक इथिलीन ये और दूसरा एक कॉमन है, मतलब हाइड्रोजन हटा के ये ग्रुप कर दिया, तो ये है डाई ईएन। मतलब ईएन कितने हैं, 2, पर डोनर एटम तो 3 हो गए ना, इसको बोलते हैं डाई इथिलीन ट्राई अमीन। इथिलीन 2 है पर अमीन 3 है, और ये बाइडेंटेट नहीं है, ट्राई बन गया, 1, 2, 3, तो ये ट्राइडेंटेट, ठीक है। बाकी इसको 3 बार कर लो, इसको आगे 4-5 जो मर्जी करते रहना। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, हो गया तुम्हारा ट्राई पाई या डाई, ट्राई पाई, ठीक है, यानी कि ट्राई पीरियड।
ये हो गए तुम्हारे लिगेंड। अब जैसे एक सा टेट्रा पेंटा में कुछ ऐसा खास है नहीं है, वो इसी की एक्सटेंशन है ईएम की आगे। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड के बारे में बहुत कुछ पूछ चुका है। हेक्साडेंटेट लिगेंड्स क्या होंगे? 6 डोनर एटम होंगे है ना इसमें। सिक्स डोनर एटम इसमें अवेलेबल हैं और इसका नाम है EDTA। बहुत बार प्रैक्टिकल्स भी आपने किए होंगे। EDTA कैसी टाइट्रेशन के लिए यूज होता है, हु इज गोइंग टू टेल? अरे तो इतना आसान है। लैब में करते थे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट, वाइन रेड कलर आ गया टाइट्रेशन फ्लास्क और पिपेट में सॉल्यूशन लेके वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस एंड ऑल। तो EDTA हार्डनेस ऑफ वाटर की एस्टिमेशन के लिए यूज होता है, जिसमें इंडिकेटर डाल के कलर चेंज होता है और पता लगता है वाटर हार्ड है या नहीं। हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में पता है ना? यस मैम। हार्डनेस ऑफ वाटर एस्टिमेशन के लिए इस लिगेंड का यूज होता है। और इस लिगेंड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये फ्लेक्सीडेंटेट है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड मतलब 6 डोनर एटम है, पर जरूरी नहीं है कि जिसके पास इतना पैसा है वो सारा इन्वेस्ट कर दे। कभी कभी 2 भी दे देता है, 2 कभी कभी 4 से देता है, कभी कभी 6 से देता है। इसलिए इसका नाम है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड का मतलब है कि अलग अलग टाइप के कोऑर्डिनेशन शो करता है। जरूरी नहीं है हमेशा 6 के 6 डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन दिलवाता है। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, इसके डोनर एटम के बारे में, कौन कितने हैं वगैरह इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका कंप्लीट नेम है पहले तो इथिलीन। तो दिस इज इथिलीन डाइअमीन, यस यस, टेट्रा एसीटेट आयन। तो इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। तो इथिलीन हो गया CH2, डाइअमीन हो गया 2 नाइट्रोजन। अब टेट्रा एसीटेट है, एसीटेट का फॉर्मूला वैसे तो CH3COO होता है, बट यहाँ पे क्योंकि वो है आपके पास एक नाइट्रोजन के साथ भी बना हुआ है बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। CH2COO negative। तो CH2COO negative, CH2COO negative। तो ये देखो, अब वो पूछता है कि भाई कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं, तो आप बता देना आपको क्या चिंता है। 1 2 नो टेंशन, 3 4 5 6, यानी कि 4 O negative डोनर है और 2 neutral nitrogen डोनर। तो टोटल 6 डोनर एटम्स है, पर फिर भी आई एम अगेन टेलिंग इट कि ये फ्लेक्सी है। कब कितने देगा वो हमें नहीं क्लियर होता, ठीक है? दैट इज नॉट एट ऑल क्लियर टू अस कि कितने कभी लगाता है। बहुत फ्लेक्सिबल है, कितने भी डोनर एटम से डोनेट कर सकते। तो ये हो गया आपका लिगेंड्स का टॉपिक कंप्लीट। इसके साथ वी हैव डन विद द ऑल लिगेंड्स। एक चीज तुम्हें और बतानी थी, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। चलो व्हेन द डिस्कशन विल कंटिन्यू विल रिफ्लेक्ट इट अगेन। ये तो हो गया तुम्हारा लिगेंड्स का टॉपिक। अब इसमें से IUPAC नेम का क्वेश्चन आएगा, तो लेट्स स्टार्ट विद द IUPAC नेम। आपने कौन सा पहले नहीं पढ़ा हुआ, तो जब भी IUPAC नेमिंग होता है ना, मैं चलो 3 कंपाउंड तुम्हें देती हूँ, चेक करते हैं कितना आता है, फिर उसके बाद मैं रूल बताऊँ। तीन हो गया, चलो पहला कॉमन दे देते। चलो ये 3 नेम लिख के दिखाओ, उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कितना आता है। मैम फर्स्ट वाला हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नो प्रॉब्लम, आपको तो आता है। एवरीबॉडी ट्राई, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स।
Yes, who has done? एक चैट बॉक्स में आंसर आया है. हाँ वो तो तल्ली का है, तो आता है. चलो, who is going to tell me the name of the first compound? सबसे पहला रूल क्या होता है? मैम पहले लिगेंड का नाम. What is the first rule? नहीं नहीं सबसे पहले चार्ज निकालते हैं ना. कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता लग गया. अच्छा, प्रशांत का आंसर आया मुझे और तन्वी का आंसर आया. तो चार्ज कैसे निकालते हैं? पहले वाले कंपाउंड के लिए कोबाल्ट इज एक्स सिक्स इंटू अमोनिया इज जीरो माइनस थ्री इज जीरो. तो ये आ गया आपके पास एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री. उसके बाद जैसे नेम लिखना है तो वेरी वेरी इजी थिंग आई डोंट नो. एक बच्चा भी बता रहा था सबसे पहले लिगेंड लिखते हैं. और लिगेंड ना अगर आपके पास हाँ एक टर्म है जैसे बुक्स में लिखा होता है होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ऐसी छोटी छोटी चीजें मतलब आपकी जनरली है. होमो का जो मीनिंग है उसी हिसाब से हो जाता है. ये हेटरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस. होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? जिसमें सारे के सारे लिगेंड सेम है. अब देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है ना, और छह के छह एक जैसे लिगेंड है तो ये होमोलैक्टिक है. उसको होमोलैप्टिक कहते हैं. अब इसमें क्या है? ये भी होमोलैप्टिक है. मैंने तो सारे होमो वाले एग्जांपल दिए हैं. मान लो तुम्हें ऐसे लिख दिया उसने CO NH3 5 और Cl. अब ये क्या होगा? हेट्रोलैप्टिक मतलब डिफरेंट लिगेंड्स है. दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज अ हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स. ठीक. तो ये वाला आपका होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. और होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स इस तरीके से आप सेम लिगेंड्स वाला कह सकते हो. अब इसका जब नेम लिखना है तो नेम लिखने के लिए आपके पास सिंपल रूल क्या बताया कि पहले लिगेंड्स लिखना है. लिगेंड के लिगेंड को भी अगर आपके पास हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है ना देन यू हैव टू डिसाइड कि उसमें कैसे है वो आपका आईयूपैक नेम कैसे है. जिसका आईयूपैक नेम पहले होता है उसको पहले. ठीक है. अब यहाँ पे तो एक ही है तो कोई चिंता ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. हेक्सा लिखेंगे और पूरा. वैसे तो देखो आईयूपैक कहता है कि कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना उसमें नहीं होता है, कैपिटल में स्टार्ट भी नहीं होता कैपिटल से. बट मोस्ट ऑफ द बुक्स और इवन इन द पेपर आई एम सीइंग नाउअडेज की लिखे होते हैं कैपिटल लेटर से. अदरवाइज आईयूपैक ने खुद ये बोला हुआ है कि सारा नेम हमेशा स्मॉल लेटर में जाएगा और बिल्कुल बीच में हॉल्ट नहीं देना है. मीन्स आपका पेन जैसे चला ना वो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट खत्म होगा तभी रुकना चाहिए, मतलब गैप नहीं होना चाहिए. हाँ कैटायनिक और एनायनिक पार्ट में हमेशा गैप होता है और कैटायनिक पार्ट किसी भी कंपाउंड का पहले लिखा जाता है, आफ्टर दैट इज एनायनिक पार्ट. तो दिस इज हेक्साअमीन कोबाल्ट. अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉजिटिव है जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये पॉजिटिव है तो इसके नाम को चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो हेक्साअमीन कोबाल्ट. ठीक है. अब इसके पीछे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन लेटर्स में ब्रैकेट बंद एंड देन यू हैव टू लीव सम स्पेस. और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी चीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाहर है ना तो उस पर आईयूपैक के रूल लगाने हैं, मतलब तुम उसे क्लोराइडो लिखने लग जाओ ना उस पर डाइट्राइट एट्रा कुछ लगाना है. वो जैसे नॉर्मल इनऑर्गेनिक में सोडियम क्लोराइड को NaCl बोलते हैं ना वो वैसे ही नाम है. ठीक है. तो इसका नाम क्लोराइड, इसको क्लोराइडो मत लिखने लग जाना. ये सिंपल क्लोराइड है. हाँ चार्ज कैलकुलेशन में इसका यूज होता है. मैंने बोला ना था ना ये तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के फ्रेंड है, फ्रेंड के फ्रेंड है, डायरेक्टली तुम्हारे साथ बॉन्डेड नहीं है या वीक फोर्सेस है तुम्हारे साथ बॉन्डेड है. डायरेक्टली तो मैं नहीं कहूंगी नहीं बॉन्डेड है, मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले तुम्हारे साथ डेटिव बॉन्ड से बॉन्डेड है इसके साथ और बाहर वाले जो है वो आयनिक फोर्सेस से बॉन्डेड है. ठीक है. NaCl4 2 negative. इसका नाम अब ये देखो anionic complex है और इसमें कुछ भी नहीं दे रखा. मैंने जब name पढ़ाए थे types पढ़ाई थी तो बोला था कि complex cationic anionic neutral सब हो सकता है. तो इसमें tetrachloride. अब negatively charged complex है तो nickel और पीछे 8 nickelate tetrachloride nickelate
और कोऑर्डिनेशन का नंबर 4 है और ऑक्सीडेशन स्टेट x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, तो x कम्स आउट टू बी प्लस 2. तो टेट्राक्लोराइडोनिकलेट, किसी भी नेम के पीछे 8 कब लगाना है, वो अगर आपके पास नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है नेगेटिव चार्ज नजर आए, हो सकता है तुम्हें कुछ खोजना पड़े. मेटल कभी भी नेगेटिवली चार्ज नहीं होता. डोंट एक्सपेक्टेड कि मैंने निकलेट लिखा तो निकल नेगेटिव है. निकल कैसे नेगेटिव हो सकता है जब डेफिनेशन ही यही बताइए कि मेटल हमेशा पॉजिटिव होगा. ठीक है, तो टेट्राक्लोराइडो निकलेट कितना आएगा, चार्ज 2 रोमन लेटर्स में और खत्म. बहुत सारी किताबें पीछे आयन देती हैं, वो बढ़िया बात है, आयन लिख देना क्योंकि नेगेटिवली चार्ज. अदरवाइज IUPAC ने ऐसा कुछ नहीं बोला. अब ये प्लस 4 है और ये माइनस 4 है. देखो यहाँ पे साक्षात नहीं दिखाई दे रहा है कि ये नेगेटिवली चार्ज आयन है, तो ये जर्नलाइजेशन से आपसे होगा. ठीक है, तो अब इसके में कोई भी बच्चा पेपर में जाकर टेट्रा पोटाशियम मत लिखने लग जाना, बाहर वाला तो ऐसे ही छोड़ो, पोटाशियम. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हेक्सा क्लोराइडो. ठीक है, ठीक है, पोटाशियम हेक्साक्लोराइडो प्लैटिनेट, दिस इज कॉल्ड एज प्लैटिनेट. प्लैटिनेट, और इसके पीछे चार्ज कितना आएगा भाई, चार्ज आएगा 2 करके देख लेना. 4 प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस 2. दिस इज हाउ यू हैव गिव टू गिव द नेम. एक क्लास करवा देती हूँ जिसमें काफी सारे लिगेंड हो, जैसे प्लेटिनम है, NO3, NO2 है, Cl है, NH3 है, वॉटर है, इसका नाम लिखो बताओ. चलो लिखो क्या आएगा, वॉट द नेम यू विल गिव टू दिस कंपाउंड. अभी हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, वॉट इज द नेचर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, दिस इज हेट्रोलेप्टिक, क्योंकि इसमें क्या है, दीज आर द डिफरेंट लिगेंड्स. कैसे देंगे भैया हम नाम, हमें पता है ये न है, एन से है, सी है और ए है. अब ये अमीन, ए एम है और ये एक्वा है, तो कौन सा पहले आएगा, अमीन या एक्वा? अमीन. एम आएगा ना पहले, तो ये आएगा अमीन एक्वा क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लैटिनम 2. और आपकी पेन को कब रुकना है, आपके पेन को तब रुकना है जब नेम खत्म हो गया. ठीक है, अब 2 कैसे आया, मुझे कैसे पता कि 2 आया है, मुझे ऐसे पता है ये -1 है, ये -1 है, एवरीथिंग एल्स इज न्यूट्रल. तो लीगल की लिस्ट पहले मैंने आपको करवा दी है, यू हैव टू जस्ट लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल द लीगेंड्स, एंड व्हेन यू विल लर्न द लीगेंड्स देन ट्राई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द यू कैन से IUPAC. So this is all for today. Rest will continue in the next class and notes of this chapter will be uploaded by the evening. Okay? Yes, ma'am. Okay, ji. Thank you. Bye-bye. Thank you, ma'am.